नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस ट्यूटोरियल में। आज का हमारा टॉपिक है वैयक्तिक विभिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वैयक्तिक भिन्नता से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने वैयक्तिक भिन्नता की विशेषता, उसके कारण, उसकी परीक्षण सभी के बारे में विस्तृत चर्चा की है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वैयक्तिक भिन्नता होती क्या चीज है, इसका अर्थ क्या होता है। तो वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, गुण तथा व्यवहारों में अंतर। अगर कोई भी दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन हैं, उनका उनकी हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे से हमेशा ही भिन्न होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। चाहे तो उसकी आदतें डिफरेंट हो, या उसके गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो फीचर्स है वो अलग हो, उसका व्यवहार अलग हो, कुछ ना कुछ तो भिन्नता एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से होती ही है। दो व्यक्ति आपस में कभी भी समान नहीं होते हैं, इसी को कहा जाता है वैयक्तिक भिन्नता। अब स्किनर जी ने इसका जो है एक डेफिनेशन दिया है, वो इसको खाली हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। स्किनर जी ने कहा है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं से तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सके। इनके अनुसार जिस भी चीज का को हम माप सकते हैं या फिर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, उन सभी चीजों को हम वैयक्तिक भिन्नता में डाल सकते हैं। वैयक्तिक भिन्नता को उनके जो है दो मुख्य श्रेणी में बांटा गया है, अंतर्वैयक्तिक भिन्नता और अंतःवैयक्तिक भिन्नता। अंतर्वैयक्तिक भिन्नता यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुकाबले किस तरह डिफरेंट है, और अंतःवैयक्तिक भिन्नता यानी कि स्वयं में ही आदमी किस तरह अपने आप में ही डिफरेंट है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अंतःवैयक्तिक विभिन्नता की बात कर लेते हैं। इसमें जो है मान लीजिए कोई एक बालक है या एक व्यक्ति, वो पढ़ने में काफी अच्छा है। जरूरी नहीं है कि वो खेलने में भी बहुत अच्छा हो, क्रिकेट में भी बहुत अच्छा हो, गाने में भी बहुत अच्छा हो, यानी कि अगर वो एक चीज में बहुत अच्छा है तो दूसरे में खराब भी हो सकता है। यह है अंतःवैयक्तिक भिन्नता। और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो हम पढ़ चुके हैं कि भिन्न होता है, वही होता है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता। अब हम बात कर लेते हैं वैयक्तिक भिन्नता की कुछ विशेषताओं की। जब हम प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न में ही आपको समझ में आएगा कि हमने उसको क्यों पढ़ा है। पहले इसमें बात है विभिन्नता। विभिन्नता यानी कि वेरिएबिलिटी। शील गुण समूह के दो व्यक्तियों में समान मात्रा में नहीं पाया जाता है। कोई भी अगर कैरेक्टरिस्टिक है, कोई गुण है, तो वो एक ही समूह की अगर हम बात करें, मान लीजिए एक ही परिवार की बात करें, कोई गुण है तो जरूरी नहीं है कि सभी में समान मात्रा में बटी हुई हो। किसी के अंदर नहीं भी हो सकती, किसी के अंदर ज्यादा हो सकती है, किसी के अंदर थोड़ा कम हो सकती है। तो इस प्रकार से वेरिएबिलिटी रहती है, अलग अलग तरीके से रहती है। सेकेंड है विशेषता, प्रसामान्यता यानी कि नॉर्मेलिटी। अगर किसी एक समूह की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कक्षा पांचवी की हम बात कर रहे हैं, तो कोई हम देख रहे हैं कि उसमें हम देखते हैं कौन बहुत तेज है, कौन बहुत कमजोर है। तो उसमें हम ये एक नोटिस करेंगे, ये चीज हम देखेंगे कि अधिकांश बच्चे एवरेज स्टूडेंट होते हैं, यानी कि अधिकांश यानी कि मोस्टली बच्चे एवरेज होते हैं। कुछ बहुत तेज हो सकते हैं, कुछ कमजोर हो सकते हैं, लेकिन एक अधिकांश जो मेन बड़ा वर्ग समूह होता है वो जो है एक ही जैसा होता है। तो इसको हम कहते हैं कि एक सामान्य चीज निकल के सामने आई कि अधिकतर छात्र सामान्य बुद्धि के हैं, तो इसी को कहा जाता है प्रसामान्यता। थर्ड है वर्धन की विभेदीय दर यानी कि डिफरेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ। इसमें हम ये बात करेंगे कि बालकों के शारीरिक विकास और परिपक्वता में अंतर पाया जाता है। यानी कि अगर कोई बच्चा 16 साल का है तो जरूरी नहीं है कि 16 साल की एज में जितना परफेक्ट, जितना परिपक्व उसको होना चाहिए उतना वो है। उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये एक इंडिविजुअल बच्चे की बात हो रही है। अगर वो 18 या 20 साल का है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उतना ही परफेक्ट हो। होना तो चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है कि वो नहीं भी होगा तो कोई इससे परेशानी की बात नहीं है। चौथा है सीखने की विभेदीय दर, डिफरेंशियल रेट ऑफ लर्निंग। सीखने में क्या अंतर पाया जाता है वो भी। अगर एक ही आयु समूह की हम बात करें, एक ही आयु के बच्चे हैं, तो कोई तेजी से सीख सकता है, कोई धीमे से सीख सकता है। ये सब नॉर्मल बातें हैं।
पांचवा है शील गुणों के परस्पर संबंध। जो भी शील गुण होते हैं उनके आपस में संबंध होते हैं। इसको हम एक उदाहरण से देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को हम कक्षा में थोड़ा सा उसको डिमोरलाइज करते हैं, हमेशा डांटते हैं, तो हम देखेंगे कि वो थोड़ा सा उसकी जो इंटरेस्ट होगा, आपकी जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका, उसमें इंटरेस्ट कम हो जाएगा, उस चीज में उसकी अचीवमेंट, उसकी उपलब्धि भी कम हो जाएगी। यानी कि अगर आप उसको मानसिक रूप से वो आपसे संतुष्ट नहीं है, यानी कि एक गुण अगर उसका गड़बड़ होता है तो उससे ही संबंधित होकर के उसका अचीवमेंट, उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो इसे प्रूफ होता है कि एक शील गुण दूसरे शील गुण से हमेशा प्रभावित होता है। छठा है अनुवांशिकता तथा वातावरण पर प्रभाव। तो हम जानते हैं कि व्यक्तिक भिन्नता पे वातावरण और अनुवांशिकता दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, ये इसकी विशेषता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इसके बहुत सारे विमाएं हैं, बहुविमी हैं, ये बहुत सारे इसके एंगल, इसके एस्पेक्ट हैं जिसके द्वारा हम इसको देख सकते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। पहला तो है शारीरिक विकास। हर किसी का ऊंचाई, गुराई, रंग, रूप सब एक दूसरे से अलग होता है। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से दूसरे से गठन में, आकार में, कलर में डिफरेंट होता है, ये हो गया शारीरिक विकास। मानसिक विकास यानी कि कोई किसी चीज में ज्यादा अच्छे से सोच लेता है, किसी का बुद्धि, किसी चीज में आईक्यू लेवल ज्यादा है, किसी की किसी में आईक्यू लेवल ज्यादा है, तो इस प्रकार से मानसिक विकास, मानसिकता में भी विभिन्नता पाई जाती है। थर्ड है सामवेगिक विभिन्नता। एक ही आय समूह के बच्चे हैं, उसमें जो है कोई बहुत, मतलब हो सकता है कि बहुत इनोसेंट हो, इनोसेंट यानी कि बहुत उसके अंदर सहानुभूति हो, परोपकारता हो, उसमें उसकी प्रधानता हो, और कुछ लोग हो सकता है कि जो है थोड़ा सा उनके अंदर क्रोध ज्यादा रहता हो उसी उम्र में, तो ये हो गया। चौथा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से यहाँ पे तात्पर्य है कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो समाज में बिना डरे बेधड़क होकर के अपनी बातें कह लेते हैं, और कुछ होते हैं थोड़ा सा लज्जा, थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा अपनी बातों को कहने में हिचकते हैं, तो इस उनको भी जानकारी होती है लेकिन थोड़ा अंदर हिचक होने के कारण वो बोल नहीं पाते, यह सामाजिक विभिन्नता। पांचवा है भाषा विकास। लड़कियों का आप देखते हैं मोस्टली जब बाल विकास की हम बात करते हैं तो वहां पे लड़कियों का जो भाषा विकास होता है वो बहुत तीव्र होता है लड़कों के भाषा विकास की अपेक्षा, तो भाषा विकास में भी जो है विभिन्नता पाई जाती है। बहुत लोगों के पास जो है शब्द समूह जो होता है, वो वोकैबुलरी उसका भंडार बहुत ज्यादा होता है, वो अपनी बातों को बहुत अच्छे प्रकार से कह लेते हैं, और बहुत लोगों के पास जानकारी होते हुए भी अपनी बातों को वो सही से प्रकट नहीं कर पाते हैं। छठा है उपलब्धियों में अंतर। उपलब्धियों में भी अंतर होता है, क्यों, इसका कारण है अभिरुचि, प्रेरणा व अभ्यास। अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है आप उसमें उपलब्धि अच्छी है। अगर आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और कोई अभ्यास को छोड़ दे रहा है, अभ्यास नहीं कर रहा, प्रैक्टिस में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी उपलब्धि उसके मुकाबले ज्यादा होगी। सातवां है अभिरुचि में भिन्नता। अभिरुचि में भी, इंटरेस्ट में भी अलग अलग भिन्नता होती है। किसी की संगीत में होती है, किसी की खेल में होती है, किसी की पढ़ाई में होती है, किसी की सिंगिंग में होती है, सबकी अलग अलग इंटरेस्ट होता है। आठवां व्यक्तित्व में विभिन्नता। व्यक्तित्व टॉपिक हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा है कि अलग अलग तरीके के व्यक्तित्व होते हैं, जैसे बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, मतलब जो सिर्फ अपने आप में रहता हो वो अंतर्मुखी, और जो पूरा आराम से अपनी बातों को कह सकता हो, प्रखर एकदम बढ़िया से अपनी शैली में बोल सकता हो, उसको बहिर्मुखी व्यक्तित्व बोला जाता है। तो व्यक्तित्व में भी भिन्नता पाई जाती है। यौन भिन्नता यानी कि लड़का लड़की, लड़कियां लड़का, जो मतलब उनका, लड़कियों का शरीर कोमल होता है, लड़कों का थोड़ा स्ट्रांग होता है, ये यौन भिन्नता हो गई। लास्ट है इसमें ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक भिन्नता। कुछ लोग जो है बढ़िया तरीके से काम कर पाते हैं, जैसे कुछ लोग पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं उसी एज में, कुछ बहुत कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, मैथ्स बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो अलग एक ही उम्र में अलग अलग तरीके के ज्ञानात्मक और क्रियात्मक कौशल व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं व्यक्तिक भिन्नता के कारण। पहला है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में ये एक प्रमुख कारण है। इसमें हम देखेंगे कि अगर किसी बच्चे के माता पिता शील गुण वाले हैं, बुद्धिमान है, तो अधिकांश चांस यही रहता है कि उनका बुद्धि स्तर बच्चे का श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर बच्चे के माँ बाप चोर उचक्के हों तो चांसेस रहते हैं कि उसके अंदर भी ऐसा गुण आ सकता है। दूसरा प्रमुख कारण है व्यक्तिक भिन्नता का वातावरण। हम देखेंगे कि इंग्लैंड, अमेरिका जो ऐसे देश होते हैं जो हमेशा हमेशा ठंडे रहते हैं साल भर, वहां के लोग थोड़े गोरे और अधिक फुर्तीले होते हैं। लेकिन अगर कोई हम ऐसा देश ले
जो काफी गर्म रहता है, वहां के लोग थोड़ा आलसी होते हैं, उनका कलर थोड़ा डाउन होता है, श्यामल या फिर सांवला कलर कह सकते होता है। अगर कोई बच्चा बहुत सबल परिवार का हो तो उसके अंदर देखेंगे थोड़ा सा चरित्र उसका जो दुर्बल परिवार के सामाजिक रूप से बच्चे आते हैं उनसे डिफरेंट रहता है। थर्ड है प्रजाति एवं राष्ट्रीयता। अगर जो है बच्चा देखते हैं कि भारतीय बालक अगर कोई है तो उसके अंदर अमेरिकन बालक से उसका जो चरित्र होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो राष्ट्रीयता का भी अंतर बच्चों पर पड़ जाता है या फिर व्यक्ति पर पड़ जाता है। चौथा आयु एवं बुद्धि। आयु के अनुसार और बुद्धि के अनुसार, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ी बुद्धि भी डेवलपमेंट होती है, उसी प्रकार से व्यक्ति का शारीरिक कद, भाषा विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास सब होता है। और जैसे जैसे आयु वृद्ध होती जाती है बालक की बुद्धि में भी स्पष्ट अंतर होता जाता है। तभी हम देखेंगे कि अगर 8 साल का बच्चा है तो उसका 16 साल के बच्चे से बुद्धि स्तर काफी अंतर होता है। देखेंगे परिपक्वन जो पांचवा है उसमें कुछ बच्चों को आप देखेंगे कि वो अपनी उम्र के शारीरिक मानसिक रूप से जितना परिपक्व होना चाहिए उतना परिपक्व होते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा डाउन होते हैं, उतना हृष्ट पुष्ट नहीं हो पाते हैं। छठा है लिंग। लिंग में हम बात करते हैं कि लड़के शारीरिक रूप से अधिक सबल होते हैं और लड़कियां थोड़ी सी मुलायम होती हैं, इतनी जो है उनके अंदर ताकत लड़कों की अपेक्षा कम होती है। लिंग भिन्नता के कारण लड़के थोड़े क्रोधी और आक्रामक स्वभाव के हो जाते हैं, लड़कियां थोड़ी ज्यादा सहनशील और क्रोध को काफी उनके अंदर लड़कियों के अंदर कम होता है। सातवां है आर्थिक स्थिति। अगर बच्चा बहुत अच्छे परिवार से आता है तो उसका आचरण थोड़ा अलग होगा, और अगर व्यक्ति बहुत गरीब परिवार से आता है तो उसका आचरण अलग होगा। शिक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है व्यक्तिगत भिन्नता में। शिक्षित होने से चरित्र में, स्वभाव में काफी बदलाव हो जाता है, अगर आप शिक्षित व्यक्ति को देखें और एक अशिक्षित व्यक्ति को देखें। अगला हमारा जो टॉपिक है इसी के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन की विधियां। अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं विभिन्नता को, हम माप सकते हैं। जैसा पहला है बुद्धि परीक्षण। बहुत सारे बुद्धि परीक्षण को हम लोग पढ़ चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बुद्धि परीक्षण करके हम देख लेते हैं कि किसके अंदर कितना व्यक्तिक भिन्नता है, किसके अंदर नहीं है, किसका आईक्यू लेवल क्या है, किसका आईक्यू लेवल क्या नहीं है। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण। बालकों में व्यक्तिक भिन्नता का एक प्रमुख स्रोत उपलब्धि होती है, शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि को माप कर हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे कर सकता है, कौन सा बच्चा अच्छा शायद दूसरे क्षेत्र में जाए या उतना अच्छा पढ़ाई में नहीं कर रहा हो, दूसरे चीज में इंटरेस्ट हो, तो एक प्रकार से हम यहाँ परीक्षण कर लेते हैं। तीसरा है संवेग परीक्षण, यानी कि टेस्ट ऑफ इमोशन। बच्चों का इमोशन भी, संवेगात्मक स्तर भी मापना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर वो सांवेगिक रूप से अस्थिर है तो उनको स्थिर करने की पूरी पूरी कोशिश की जानी चाहिए। उसके बाद है अभिक्षमता और अभिरुचि का परीक्षण। ये भी देखना चाहिए कि किस बच्चे का किस विषय में, किस डिपार्टमेंट में किस प्रकार से इंटरेस्ट है, उसी में हम उसको और अधिक ले जाने का प्रयास करें, उसके लिए और अधिक सुविधाएं मुहैया कराएं। छठा है व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, तो हर व्यक्ति के बारे में उसका व्यक्तित्व जानना बहुत जरूरी होता है ताकि हम उस प्रकार से उसके साथ व्यवहार कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, लेकिन इससे जुड़े हुए प्रश्न किस प्रकार से आपको एग्जाम में आ सकते हैं एक दो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसा कि एक प्रश्न है आया हुआ है, सीटेट का प्रश्न है सन 2012 में। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रीना उसे सीखने में ज्यादा समय लगाती है, ये विकास के कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? सीमा पाठ को जल्दी याद कर लेती है और रीना थोड़ा टाइम लगाती है। तो पहला है व्यक्तिक भिन्नता, अंतर संबंध, तीसरा निरंतर, चौथा सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भिन्नता है दोनों के अंदर, एक जल्दी सीख लेती है एक लेट में सीखती है, तो हम आराम से इसका उत्तर बता लेंगे कि यहाँ पे व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे जो आप इतनी चीजों को पढ़कर आराम से हल कर लेंगे। तो वीडियो की देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।